निकाह का बुनियादी माना क्या है और इस्लाम में कितनी ज़्यादा सहूलत के साथ बंदा निकाह कर सकता है? हाँ, निकाह को अगर देखा जाए तो जहाँ इंसानी माशरे में इसकी ज़रूरत है उससे बढ़ के देखा जाए तो ये एक इबादत है। फितरत में देखा जाए तो ये जानवरों में भी है, जब भी वो बुलुगत को पहुँचते हैं तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम में ज़रूरत से बढ़ के इसको इबादत करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, ये मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो इस तरीक़े को छोड़ेगा, बहुत सख्त अल्फाज हैं फरमाया, वो हम में से नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने बेनिकाह मर्दों और औरतों को उनको निकाह के बंधन में बांध दो। निकाह क्या चीज़ है? निकाह का वैसे माना देखा जाए तो ज़म करना है, जोड़ना है, मिला देना, लेकिन शरई इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो एक ख़ास क़ुयूद और हदूद के साथ एक मर्द के साथ एक औरत को उसके बंधन में, आक़द में उसके साथ जोड़ देना चंद शुरूत के साथ, ये निकाह कहलाता है।